हेलो दोस्तों, देखिए आज मेरे पास एक टीवी आया है। इसका मॉडल नंबर है KLV32EX 330। ये 2013 का टीवी है, बहुत पुराना मॉडल। प्रॉब्लम यह है इसमें कि इसका देखिए ये एडाप्टर लगा हुआ है, मैं मीटर से आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए एडाप्टर लगा हुआ है और मुझे यहाँ जो पावर होना चाहिए मिल रहा है, इस पर पावर है। मैं इस चीज़ को एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये इस तरफ पावर है। मैंने इसको फॉलो करते करते यहाँ पर तक आया, जब ये देखिए यहाँ पावर है पर इस पार पावर नहीं है दोस्तों। ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये इस पार है 18 वोल्ट इनपुट हो रहा है पर इस कॉइल से, ये जो कॉइल लगा हुआ है इस कॉइल के इस पार भी मुझे वोल्टेज मिलना चाहिए था, जो कि ये देखिए नहीं मिल रहा। आप लोग देख रहे होंगे इस तरफ यहाँ पर वोल्टेज प्रेजेंट है, ये देखिए यहाँ पर और इस जगह यानी कॉइल के इस पार, ये देखिए कोई वोल्टेज नहीं। तो इसमें दो कारण होते हैं कभी कभी ये ऐसे शॉर्ट होने से, ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर ये शॉर्ट होने की वजह से भी ये फ्यूजेबल समझिए कॉइल है, ये फ्यूज हो जाता है, कट जाता है, जिसके वजह से वोल्टेज इस पार नहीं आ पाता और आपका सेट पूरी तरह से डेड हो जाता है। स्टैंड बाई नहीं, डेड हो जाएगा, क्योंकि 3.3 वोल्टेज नहीं मिल रहा है इसको, तो इसलिए इंडिकेटर भी ऑन नहीं होगा आपका। तो इस आईसी को चेक कर लिया जाना चाहिए आपको, और अगर ये आईसी ठीक है तो फिर इस कॉइल को लगा के आप कर सकते हैं चालू। तो इसको चेक करने के लिए एक मैंने सीरीज का उपाय बनाया है। अगर इस तरफ कोई शॉर्ट रहेगा, इस तरफ कोई शॉर्ट हो तो ये तो कटना पक्का है। ये फ्यूजेबल जो कॉइल है ये फ्यूज तो पक्का होगा। तो अगर ये फ्यूज़ हुआ है तो आप लोगों को चेक करना चाहिए। देखिए मैंने एक जुगाड़ लगाया है, ये 12 वोल्ट का बल्ब, ये आपको दिखला दे बता देगा कि इस तरफ कितना फ्यूज शॉर्ट है। हाँ तो ये देखिए, ये दो तार है इसका, मैंने इसमें जोड़ कर रखा है। इस दोनों तार को आपको करना चाहिए एक फ्यूज़ के इस ओर, यानी कि यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मैंने जूम करके देखा, एक तार यहाँ पर और एक तार इस फ्यूज के इस पार, यानी यहाँ पर या मैंने फ्यूज के इस पार और इस पार दोनों तरफ एक एक तार जोड़ दें। तो ये जब तार, ये तार यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ जोड़ेंगे, और अगर इस पार में कोई शॉर्ट रहेगा तो ये बल्ब पूरी तरह से ग्लो होगा, समझ जाइए कि फिर उधर कोई शॉर्ट है। तो आपको ये पहले शॉर्ट रिमूव करना है, फिर उसके बाद में फिर लाइन देके देखना, और अगर शॉर्ट नहीं है तो ये बल्ब आपका टीवी नॉर्मली चालू हो जाएगा। तो आसान तरीका है, अगर शॉर्ट नहीं है तो इस फ्यूज को फिर से कनेक्ट कर दें, या कि आप फिर ये तार लेके इस तरफ मार दें। तो मैं इससे पहले ये बल्ब लगा के मैं देख चुका हूँ शॉर्ट नहीं है, तो इसलिए मैं तार यहाँ से लेके यहाँ पर मार दूँगा, मतलब इस कॉइल को फिर से काम, जिसके वजह से मेरा ये टीवी चालू हो जाना चाहिए। तो मैं एक तार से जम्पर मार के इससे ठीक करता हूँ दोस्तों, और फिर दिखाता हूँ आप लोगों को कि मेरा टीवी अभी फंक्शन हो। अभी मेरे इस तरफ तो वोल्टेज है, ये देखिए अभी मेरा इस तरफ वोल्टेज है, पर ये टीवी के इस तरफ वोल्टेज नहीं है, एक कॉइल के इस तरफ कोई वोल्टेज नहीं। तो मैं इस वोल्टेज को सिर्फ बाईपास करूँगा इस कॉइल के माध्यम यहाँ से, उसके बाद दिखाता हूँ दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, मैंने एक तार यहाँ से लेके यहाँ पर जोड़ दिया, ये देखिए एक तार से मैंने समझिए फ्यूज का काम किया मैंने इससे, और क्योंकि मेरा इधर कोई शॉर्ट और नहीं था इसलिए। तो मैं इस तार को लगाने के बाद अब लाइन देकर देखूँगा कि मेरा काम हुआ या नहीं।
लाइन देने के बाद आप लोगों को एक चीज़ दिखाना है दोस्तों। ये देखिए मैं ये लाइन दिया मैंने, ये देखिए कनेक्टर मैंने कनेक्ट कर दिया, और ये देखिए मेरा टी वी ऑन आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। ये देखिए मेरा बी एल ऑन, बैक लाइट ऑन हुआ, मतलब टी वी भी ऑन हो गया, आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे आप लोग। ये देखिए तो मेरा टी वी ऑन हो गया। तो थोड़ा मुश्किल तो है, ये थोड़ा मुश्किल तो था, पर उतना भी मुश्किल नहीं कर सकते हैं आप लोग, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक डिजिटल मल्टीमीटर हो तो एक नया आदमी भी इसे ठीक कर सकता है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो देखते रहिए, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।